स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का आज की एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो बहनों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सेविका और सहायिकाओं के मानदेय अपडेट की स्थिति के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो पिछले दो महीनों का मानदेय है वो बकाया है, तो आप लोगों का मई और जून का जो पैसा है वो कब तक आप लोगों के खाते में भेजे जाने की जो संभावनाएं हैं, हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से आप लोगों का जो पैसा है वो कब तक आप लोगों के खाते में भेजा जाएगा और इसकी जो संभावित तिथि है वो क्या है, किस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक इस को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का जो मानदेय अपडेट की स्थिति है, जैसा कि हमने यहाँ पे इस साइट को ओपन कर रखा है, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अप्रैल महीने का जो पैसा है वो उनके खाते में भेज दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो मई और जून का पैसा है अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सेंड टू बैंक हो चुका है, लेकिन इसके आगे कोई भी प्रोसेस अभी नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे जून का जो पैसा है और देख सकते हैं अभी सेंड टू बैंक नहीं किया गया है। देखिए, इसका जो प्रोसेस होता है यहाँ पे सेंड टू बैंक होने के बाद एक से दो दिनों के बाद प्रोसेस इनिशिएट कर दिया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे हर महीने इस प्रकार से होता है कि जब आप लोगों का पैसा यहाँ पर सेंड टू बैंक कर दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पर जो पेमेंट प्रोसेस है यहाँ पे एक से दो दिनों के अंदर हो जाता है, आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे अभी देख सकते हैं 1/7/2024 का ही यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है, उसके आगे यहाँ पे कोई भी जो जानकारी है, कोई भी अपडेट है यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कब तक आप लोगों का जो पैसा है वो आपके खाते में भेजा जा सकता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जून महीने का भी स्टेटस देखते हैं, तो यहाँ पर अभी देख पाएंगे कि इनका जो जून महीने का स्टेटस है अभी सेंड टू बैंक नहीं किया गया है। और जुलाई महीने का तो अभी बात ही छोड़िए, क्योंकि अभी जस्ट यहाँ पे जुलाई मंथ बीता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे जहाँ तक उम्मीद लग रही है कि आप लोगों का जो पैसा है वो आपके खाते में मई और जून दोनों महीने का जो पैसा है आपके खाते में एक ही साथ भेज दिया जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब आप लोगों का दो दो महीने का पैसा बकाया रहता है तो दोनों पैसा जो है आप लोगों के खाते में एक ही साथ भेज दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद इस बार भी लग रही है कि आप लोगों का जो पैसा है एक ही बार आप लोगों के खाते में भेज दिया जाएगा। जैसे कि UTR नंबर जनरेट होने के बाद जो पैसा है वो आप लोग बैंक से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी कोई भी आगे इसका स्टेटस नहीं दिख रहा है, जस्ट यहाँ पर कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है जिसके कारण यहाँ पर 1/7/2024 के बाद यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं की गई है, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद लग रही है कि जो आप लोगों का पैसा है वो 15 अगस्त से लेके 20 अगस्त के बीच आप लोगों के खाते में जाने वाला है, मुझे जो संभावनाएं लग रही है, मैं अपने अनुभव के आधार पे आप लोगों को बता रहा हूँ। खैर, आप लोगों को अभी वेट करना है, ये जो पैसा है आप लोगों के खाते में बहुत जल्द भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी आप लोग देख पा रहे हैं आप लोगों का जो पेमेंट का स्टेटस है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी मिल गई होगी कि आप लोगों का जो पैसा है वो कब तक मिलने की जो संभावनाएं हैं वो यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।